तो दोस्तों आज बात करते हैं दो बिल्लियों की कहानी के बारे में। एक गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। वह आपस में बहुत प्यार से रहती थी। उन्हें जो भी खाने में मिलता हमेशा बांट कर खाया करती थी। एक दिन उन्हें एक रोटी मिली। अब रोटी एक और बिल्ली दो। उन्होंने रोटी के दो टुकड़े तो कर लिए, पर दोनों टुकड़े बराबर है कि नहीं इसका फैसला नहीं कर पाए। उन्हें एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा टुकड़ा थोड़ा छोटा लगा। जब दोनों बिल्लियां किसी समझौते पर नहीं पहुंच सकी तो उन्होंने किसी और से फैसला करवाने की सोची। जब वो फैसला करवाने के लिए किसी को ढूंढ ही रही थी कि उन्हें एक बंदर मिला। उन्होंने बंदर से फैसला करवाने की बात सोची। दोनों बिल्लियों ने बंदर के सामने अपनी समस्या रखी। सारी बात सुनने के बाद बंदर एक तराजू ले आया और रोटी के दोनों टुकड़ों को अलग अलग पलड़े में रख दिया। तोलते समय जो भी पलड़ा भारी लगा उसमें से थोड़ी सी रोटी तोड़कर खा लेता, और ऐसा करते करते बंदर पूरी की पूरी रोटी खा गया और दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दो जीवों के झगड़े का फायदा अक्सर तीसरे को हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्त जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।